आज राम भक्तों का वर्ष पुराने प्रतीक्षा का अंधेरा छट गया और राम जन्मभूमि को उसका पुराना गौरव मिल गया। अयोध्या में विशेष मुहूर्त के दौरान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए देश विदेश से दिग्गज लोग अयोध्या पहुंचे। देश भर में अलग अलग जगहों पर इस भव्य आयोजन के उपलक्ष्य में विशेष आयोजन किए गए और शाम को दिवाली मनाने की तैयारी है। इसी क्रम में देश भर में आज जगह जगह कार्यक्रम आयोजित हुए। मंदिरों में भक्तों के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई, जगह जगह भंडारे आयोजित किए गए। इसी कड़ी में भारतीय हिंदू एकता संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरएस बाली ने नूरपुर टप्पल में अपने द्वारा लगभग 3 साल पहले निर्मित किए गए हनुमान मंदिर में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। वह सुबह सुबह ही अपने साथियों के साथ दिल्ली से नूरपुर के लिए रवाना हुए और वहां पर भव्य श्रीराम शोभा यात्रा एवं भंडारे का आयोजन किया, जिसमें टप्पल गांव के सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी ने भंडारे का आनंद लिया। शोभा यात्रा जय श्री राम के नारों से गुंजायमान थी। पूरा गांव भगवा में नजर आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भगवान श्री राम त्रेता युग की तरह स्वयं आते हैं और अयोध्या वासी उनका स्वागत कर रहे हैं। वही आरएस बाली ने गांव में शोभा यात्रा निकालने के बाद टप्पल में निकली शोभा यात्रा में भी सम्मिलित हुए और वहां भी आरएस बाली का फूल माला से भव्य स्वागत किया। कई किलोमीटर तक चली शोभा यात्रा में जय श्री राम के जमकर नारे लगे और पूरा टप्पल भगवा में हो गया। आप खुद तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जय श्री राम के नारों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कितनी खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे राम राज्य फिर से वापस आ गया है। वही आरएस बाली ने बच्चों को अपने हाथों से भंडारे का प्रसाद वितरित भी किया। जब हमारी टीम ने उनसे बात की तो देखिए क्या कुछ कहा सभी लोगों ने। सभी सौभाग्यशाली हैं कि इतने वर्षों 500 वर्षों के बाद हमारे आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी का एक टेंट से आज वो एक राजमहल में आज विराजमान हुए। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि उनको इस प्रकार हम लोग जो है टेंट से निकलते हुए वो भी समय देखा हम लोग जब वो टेंट में थे और आज भी देख रहे हैं जब एक भव्य और दिव्य मंदिर का एक हमारे आदरणीय माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ये कार्य किया गया वो बहुत ही सराहनीय है, अलौकिक है और प्रशंसनीय है, उत्तम कार्य है ये। इसकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी ही कम है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इतने वर्षों के बाद हम प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर को हम लोग अपने दिव्य चक्षु से हम लोग देख दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है, वो पूरे देश में जैसे भी दीपावली की तरह मनाई गई, लेकिन टप्पल मोहल्ला पटियात पाड़ा राम मंदिर से जो भव्य शोभा यात्रा निकाली है वो हम केवल दीपावली से भी ऊपर उठकर इस दिन को, क्योंकि ये हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे कितने बुजुर्ग चले गए जिन्होंने ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जहां आपने मंदिर बनवाया था भव्य तरीके से यहां पर आपने शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए, क्या कुछ कहेंगे, कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है, किस तरीके से शोभा यात्राएँ निकाली जा रही हैं? बहुत बढ़िया। 500 साल के बाद सदियाँ बीत गई, पुष्टि निकल गई। मुझे इस चीज़ का है कि पहले तो चलो जो भी बाहर के आए या जिन्होंने ये बाबा जी मस्जिद बनाई उन्होंने तो जुल्म किए किए, अपनी सरकारों ने बच्चे एक एक घर के दो दो भाई गोलियों से भून दिए, ये बहुत अफसोस की बात है। और आज उनकी जो कुर्बानी है रंग लाई है, भगवान हमारे मंदिर में आ गए टेंट से आ गए। लेकिन कुछ लोगों ने टिप्पणियाँ भी की हैं कि अधूरा मंदिर बना है और बनता रहेगा, ये तो सैकड़ों सालों तक आगे से आगे बनेगा, इसका कोई अंत नहीं है। भगवान स्थापित हो गए हैं, ठीक है ना, उसके बाद तो बनता रहेगा, बहुत कुछ बनना भी। विरोधी पार्टियों को क्यों हजम नहीं हुई ये बात? विरोधी पार्टियों के वो क्यों कह रहे हैं कि चुनावी मुद्दा है? वो चुनावी मुद्दा तो बनाएंगे, देखो मैं आपको बताऊं, उनका को अब चल नहीं रहा, सोच रहा है अब क्या करें। ये रामचंद्र जी हुए ही नहीं, कोर्ट में बयान दे रहे हैं, ठीक है। अब राम मंदिर जी हुए है तो हमें बुलाएंगे तो हम जाएंगे, अब बुलाया तो कहते हम बाद में जाएंगे, हम क्यों जाएं जी? उनका तो कहा जाता है कि शुरुआत राम की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है उससे हम लोग बहुत खुश हैं। हमने अपने गांव नूरपुर में टप्पल के पास जो गांव नूरपुर है जहां बाली जी ने भव्य मंदिर बनवाया था,
आज वहाँ भी बहुत बड़ा उत्साह के साथ कार्यक्रम किया गया। इसीलिए राम प्रतिष्ठा के खुशी के उसमें, और हमारा मानना यह है कि देखिए जो हमारे भगवान राम 500 वर्ष से मुगलों के उससे जो उसमें कैद थे टेंट में, आज बाहर हो गए, हमें बड़ा खुशी का दिन है ये। और ये कार्य जो भी है, पाली और प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रवीण पांचाल जी की मौजूदगी में युवाओं ने, जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने जो इस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हम लोगों को अपार खुशी है। हम लोग बहुत जगह जगह भंडारे भी किए हैं और हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी मानना है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका हम सम्मान करते हैं। और हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने होते हुए हम कितनी पीढ़ियां चली गई, आज भगवान श्री राम देख रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। ठीक ठीक, चलो। NBC News के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।